दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है। अब तक का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है, आखिरकार हाई कोर्ट के आदेश पर सरकार के द्वारा और विभाग के द्वारा आदेश जारी किया कर दिया गया है। अतिथि शिक्षकों को फाइनली 25 अंक बोनस के रूप में शिक्षकों की भर्ती में दे दिए गए हैं। सभी सेवा शर्तें भर्ती नियम 2023 में बदलाव करते हुए और 2018 के नियमों में बदलाव करते हुए यहाँ पर यह आदेश जारी कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने अभी एक दिन पहले ही यह आदेश दिया कि अतिथि शिक्षकों को भी ये लाभ दिया जाए, 5 अंक प्रति वर्ष यानी 1 साल के 5 नंबर और 25 अंक देने का आदेश जारी किया था हाईकोर्ट ने। उस पर संज्ञान लेते हुए सरकार और शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया। फाइनली अतिथि शिक्षकों को शिक्षकों की भर्ती में 25 अंक बोनस के रूप में मिलेंगे। आप किसी भी स्टेट से हैं, नियम वही होते हैं। आईटी कंप्लीट जानकारी बताएंगे। एक बड़ी खबर है, अतिथि शिक्षकों को 25 अंक बोनस के शिक्षकों की भर्ती में देने संबंधी हाईकोर्ट ने जो आदेश दिए थे उसको लेकर विभाग की तरफ से फाइनली आदेश जारी कर दिए गए हैं। अतिथि शिक्षकों को 25 अंक बोनस के रूप में अब मिलेंगे, 5 अंक 1 साल के यहां पर देने की बात कही गई है। पूरा अपडेट, पूरा आदेश आपको दिखाएंगे। यहां पर आप देखेंगे पत्र नंबर है, शिक्षा विभाग बिहार पटना का खबर है। किसी भी राज्य के हैं आप तो आपको यह जरूर देखना चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट की तरफ से आदेश तो जारी किए जाते हैं, लेकिन आदेश मध्य प्रदेश में भी जारी हुए हाई कोर्ट के, लेकिन सरकार ने इधर उधर घुमा के उन आदेशों को दरकिनार करके अपने अलग से नियम बना दिए, जबकि सिस्टम वही है, पूरे देश में वही आरटीई का नियम लागू है और बिहार भी भारत देश के अंदर ही है। और यहाँ पर जब हो सकता है तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं, एक बड़ा सवाल है। फिलहाल हम आदेश आपको दिखाएंगे। प्रेषक में कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग यहाँ पर है और सेवा में सचिव बिहार लोक सेवा आयोग बिहार पटना के लिए जारी किया गया। यहाँ पर आप देखेंगे 21/5/2024 का सबसे इम्पोर्टेंट और ताज़ा आदेश अतिथि शिक्षकों के लिए विषय है। माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC संख्या नंबर यहां पर है। संदीप कुमार झा और अन्य लोगों ने बिहार सरकार और अन्य के लिए लगाया था। 29/5/24 को आदेश पारित हुआ है और आदेश में कार्यवाही देख सकते हैं। 29 तारीख को आदेश कोर्ट की तरफ से हुआ और उस आदेश के परिपक्ष में 31 तारीख को यानी एक दिन बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सरकार ने उसको यहाँ पर लाभ दे दिया अतिथि शिक्षकों को। यहाँ पर आप देखेंगे महाशय उपयुक्त विषयक माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC संख्या नंबर यहाँ पर है। संदीप कुमार झा और अन्य बनाम बिहार सरकार विमान में दिनांक 29/5/24 को पारित आदेश के कार्यकारी अंश निम्नवत। यहाँ पर आप देखेंगे ये आदेश है हाईकोर्ट का, बिहार हाईकोर्ट का, और इस आदेश में 25 मार्क 5 मार्क जो है पर ईयर के हिसाब से 1 ईयर का यहां पर कहा गया था, 5 और 25 यहां पर जो है अधिकतम यहां पर कहा गया था गेस्ट टीचर के लिए। यहां पर ये पूरा आदेश अंग्रेजी में है इसका। यहां पर फाइनली यहां पर आप देखेंगे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या नंबर 25/1/2018 के तहत सेवा में लिए गए वैसे अतिथि शिक्षकों जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई और सेवा शर्त नियमावली 2013 अद्यतन और संशोधित देख सकते हैं। पूरा एकदम स्पष्ट कर दिया है, अद्यतन किया, मतलब बीच में अगर नियम बदले भी हों तो भी ये नियम उन पर लागू कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर बताया गया है कि द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता धारित करते हैं उन्हें प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि के लिए 5 अंक अधिभार देते हुए अधिकतम 25 अंक अधिभार देने के साथ साथ माननीय उच्च न्यायालय पटना के उक्त आदेश के विरुद्ध विभाग द्वारा LPA दायर करने का निर्णय लिया गया है। आगे बताया हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं। अतः अनुरोध है कि शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या नंबर 51 दिनांक 25/1/2018 के तहत सेवा में लिए गए वैसे अतिथि शिक्षकों जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्यवाही और सेवा शर्त नियमावली 2023 अद्यतन या फिर संशोधित के द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता धारित करते हैं को बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन नंबर 22/2024 प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि के लिए 5 नंबर अधिभार अंक देते हुए अधिकतम 20 अंक अधिभार देने की कार्यवाही की जाए। यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय विभाग द्वारा दायर किए जाने वाले अपील के फलाफल
से प्रभावित होगा। साथ ही यह भी अनुरोध है कि उक्त आशय की विज्ञापन अतिथि निकालने की कृपा करें। देख सकते हैं फटाक से एक दिन के बाद आदेश जारी हुआ। उक्त आदेश पर अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग की सहमति प्राप्त है। विश्वा सभाजन कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव है निदेशक माध्यमिक शिक्षा मंडल। और यहाँ पर देख सकते हैं 31/5/24 को है प्रतिलिपि में भेज दिया गया है। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसको ज्यादा शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बड़ी सफलता है। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। मध्य प्रदेश के हैं तो भी यहाँ पर आपके लिए भी आदेश हुआ था, लेकिन सरकार ने आरटीई के नियमों का हवाला दिया, लेकिन इस तरह के आदेश स्पष्ट करते हैं कि कोई भी नियम रोड़ा नहीं आता है अगर अधिकारी और सरकार चाहें तो करने के लिए। जो मेरी जानकारी बेहद इंपॉर्टेंट है, मिलेंगे अगली वीडियो पर। धन्यवाद।